मुरादाबाद जनपद के मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र के भूजपुर आशा गांव में मूड़ा पांडे पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में माता के मंदिर में मेले का आयोजन हुआ, जिसका आज तीसरा सोमवार समाप्त हो गया। मेले का आयोजन अभी दो सोमवार और चलना है। मेले के अंदर अभी मुख्य गेटों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मेले के अंदर किसी भी वारदात को अंजाम देता है तो वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी माता के मेले का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ, जिसमें श्रद्धालु देश भर के राज्यों से माता के मंदिर आ रहे हैं और शांति व्यवस्था के साथ सभी श्रद्धालु माता के दर्शन कर मनोकामना मांग रहे हैं। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं का कहना है कि माता के मंदिर पर जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसके बाद जो भी मनोकामना माता से मांगी जाती है वो पूरी होती है, जिसको लेकर माता का मंदिर देश भर में चर्चित है। इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। साथ ही थाना अध्यक्ष हिमांशु चौहान ने महिला कांस्टेबल और पुलिस कर्मियों को तैनात कर रखा है ताकि कोई भी तरह की लूट, चोरी, डकैती जैसी वारदात ना हो। मेले के ठेकेदार का कहना है कि मेले को पुलिस प्रशासन और कमेटी का पूरा सहयोग है। मेला जो है अभी दो सोमवार और लगेंगे और पुलिस की व्यवस्था सही है और सारी व्यवस्था चौक बंद है, सब तरफ से शांति व्यवस्था बनी हुई है, सही शांतिपूर्ण तरीके मेला चल रहा है, कोई अव्यवस्था नहीं है। जो मेले के अंदर किस तरीके की पुलिस द्वारा तैनाती की गई है? पुलिस फोर्स चौकी से आता है, वो अपने जो है रात को जब मेला जो शुरू होता है 12 बजे से प्रसाद शुरू होता है चलना, 12 बजे से पुलिस व्यवस्था लग जाती है। महिला कांस्टेबल भी है, महिला सब इंस्पेक्टर भी लगी हुई हैं, सब इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं। कमेटी की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था? कमेटी की तरफ से जो है सुरक्षा गार्ड मंगाए गए हैं, 10-12 सुरक्षा गार्ड हैं, वो जो है मेला में तैनात कर दिए गए हैं। मेला में मंदिर पर जब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, रास्ता सुचारू रूप से चलाने के लिए उन गार्डों को वहाँ पर लगा दिया गया है और कुछ गार्ड पार्किंग पर लगाए गए हैं। दो पार्किंग व्यवस्था देख रहे हैं, दो पार्किंग मेला में बनाई गई हैं, एक पार्किंग बसों के लिए बनाई गई है, एक पार्किंग जो है छोटी गाड़ियों के लिए बनाई गई है। अच्छा, तीन सोमवार हो चुके हैं, आप क्या सोमवार और मेला चलने वाला? अब दो सोमवार मेला होगा। किस तरीके की अपील करना चाहोगे श्रद्धालुओं से? हम तो श्रद्धालुओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील चाहते हैं कि आप शांतिपूर्वक आएँ, अपने जो है भीड़ में किसी अनजान व्यक्ति से कोई चीज़ ना खाएँ, अपने जो है सोने चांदी का जो जेवर पहन के आते हैं वो ना पहने, अपने घर पर रख के आवें, मेले में आवें, अपने सादा आवें। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं इस मेले में? श्रद्धालु तो विभिन्न जगह से आते हैं, यहाँ से चंडीगढ़ से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, मेरठ से भी आते हैं, बरेली से भी आते हैं, रामपुर से, बदायूं से, चारों तरफ से जो है यहाँ श्रद्धालु बहुत बहुत दूर से आते हैं। कौन सी माता का मंदिर लगता है? ये काली माता का मंदिर लगता है। गौरतलब है कि मेला कमेटी और मूड़ा पांडे थाना अध्यक्ष हिमांशु चौहान द्वारा श्रद्धालुओं से अपने सामान की खुद ही सुरक्षा करने की अपील की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है।